Very good morning, my lovely children. How are you? I hope you are all fine. I am also fine. This is your computer class, chapter 6, Tux Paint. Let's start. Tux Paint is a wonderful drawing program for children. Tux Paint एक बहुत ही अद्भुत drawing है बच्चों के लिए, एक wonderful drawing program है बच्चों के लिए, unlike other drawing painting programs. दूसरे पेंटिंग प्रोग्राम्स के अतिरिक्त टक्स पेंट हैज अ लॉट ऑफ क्रिएटिव टूल्स, फनी एनिमेशन एंड मैजिकल इफेक्ट्स व्हिच मेक इट वन ऑफ द बेस्ट ड्राइंग सॉफ्टवेयर. टक्स पेंट बहुत ही रचनात्मक उपकरण है, एक मजेदार एनिमेशन है, एक जादुई जो जादुई इफेक्ट डालता है, व्हिच मेक इट वन ऑफ द बेस्ट ड्राइंग सॉफ्टवेयर, जो इसे सॉफ्टवेयर में से एक बहुत सर्वश्रेष्ठ ड्राइंग बनाता है. लेट अस लुक एट इट्स यूनिक फीचर्स. आइए इसके यूनिक कुछ अलग से फीचर्स देखते हैं. टक्स पेंट इज अ फ्री सॉफ्टवेयर. टक्स पेंट एक मुफ्त सॉफ्टवेयर है. टक्स पेंट हैज अ ड्राइंग मैस्कोट व्हिच हेल्प्स यू टू नो मोर अबाउट इट. टक्स पेंट में एक ड्राइंग में जो एक शुभंकर होता है जो आपको इसके बारे में और अधिक जानने में मदद करता है. अ लार्ज वैरायटी ऑफ टूल्स हेल्प द चिल्ड्रन टू क्रिएट ब्यूटीफुल डिजाइन. एक बड़ी संख्या में ये उपकरण बच्चों को कुछ और भी डिजाइन बनाने में मदद करता है. फनी साउंड इफेक्ट्स आर प्लेड व्हेन वी सिलेक्ट एनी टूल्स. जब आप किसी टूल को सिलेक्ट करते हैं तो एक फनी साउंड इफेक्ट्स पड़ता है. हाउ टू ओपन टक्स पेंट. टक्स पेंट को ओपन कैसे करते हैं. सिलेक्ट द बटन, जो स्टार्ट बटन होता है, यहाँ आप जो आप पिक्चर में आपको एक बटन दिख रहा है, सबसे पहले आप इस पर जाएंगे. उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, टक्स पेंट, टक्स पेंट विंडो आपकी, उसके बाद टक्स पेंट की विंडो आएगी. यू विल सी द वेलकम स्क्रीन ऑफ टक्स पेंट. आप टक्स पेंट की विंडो जो वेलकम स्क्रीन है वो आप देखेंगे. आफ्टर द वेलकम स्क्रीन वी विल सी द ओपनिंग स्क्रीन ऑफ टक्स पेंट. वेलकम स्क्रीन के बाद आप एक टक्स पेंट की शुरुआती स्क्रीन देखेंगे. आपकी बुक में पिक्चर दिख रही है, आपको टक्स पेंट की स्क्रीन, शुरुआती स्क्रीन दिख रही होगी. लेट अस लर्न मोर टूल्स ऑफ टक्स पेंट इन दिस क्लास. इस क्लास में आज हम कुछ और अधिक जानकारी सीखेंगे इन टक्स पेंट के टूल्स के बारे में. टेक्स्ट टूल. द टेक्स्ट टूल इज यूज्ड टू टाइप मैसेज इन द ड्राइंग कैनवास. जो टेक्स्ट टूल होता है, इस ड्राइंग कैनवास पर जब कुछ मैसेज टाइप करते हैं तो इसका यूज करते हैं. स्टेप वन, क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल. सबसे पहले टेक्स्ट टूल पर जाएंगे. स्टेप टू, क्लिक एंड सिलेक्ट अ लेटर स्टाइल फ्रॉम द सिलेक्टर. हम सिलेक्टर से इसमें लेटर स्टाइल, हमको अपने मैसेज जो हमको टाइप करना है उसके लेटर को किस स्टाइल में लिखना चाहते हैं. स्टेप थ्री, क्लिक एंड चूज अ कलर फ्रॉम द कलर बॉक्स. इसके बाद हम कलर बॉक्स से कोई भी कलर चूज करेंगे. स्टेप फोर, क्लिक ऑन द ड्रॉइंग कैनवास. ड्रॉइंग प्लान कैनवास पर क्लिक करेंगे. अ ब्लिंकिंग लाइन कॉल्ड द कर्सर अपीयर्स. आपको एक ब्लिंकिंग लाइन जिसको हम कर्सर कहते हैं, आपको वो ब्लिंक करेगा. टाइप योर मैसेज. आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं. वंस यू फिनिश टाइपिंग, क्लिक ऑन एनी अदर टूल इन द टूल बार. जब एक बार अपनी आप टाइपिंग फिनिश कर लें, क्लिक ऑन एनी अदर टूल इन द टूल बार. आप टूल बार से किसी अन्य कोई दूसरा भी टूल सिलेक्ट कर क्लिक कर सकते हैं. मैसेज टूल. द मैजिक टूल इज अ सेट ऑफ मैनी स्पेशल टूल्स. मैजिक टूल में बहुत सारे स्पेशल टूल्स होते हैं. यू कैन मेक डिफरेंट इफेक्ट्स यूजिंग दिस टूल. इस टूल से आप अपने जो आप जो भी टक्स पेंट पे काम कर रहे हैं उस पर आप अलग अलग तरह का इफेक्ट डाल सकते हैं. स्टेप वन, अब इस टूल को कैसे यूज करेंगे. क्लिक ऑन द मैजिक टूल. सबसे पहले मैजिक टूल पर जाएंगे. स्टेप टू, क्लिक एंड सिलेक्ट अ मैजिक टूल फ्रॉम द सिलेक्टर. आप सिलेक्टर से मैजिक टूल, जो मैजिक इफेक्ट टूल होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे. स्टेप थ्री, मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग कैनवास. आपका जो पॉइंटर है वो ड्राइंग कैनवास पे मूव करेगा.
कीपिंग द लेफ्ट माउस बटन प्रेस ड्रैग द माउस टू ड्रॉ ऑन द ड्रॉइंग कैनवास। आप माउस के जो लेफ्ट बटन को उसको प्रेस करेंगे और आप अपने माउस को ड्रैग करेंगे और जो ड्रॉइंग कैनवास होता है उस पे आप अपना माउस जो भी आपको ड्रॉ करना है आप कर सकते हैं। When you finish drawing, जब आपकी ड्रॉइंग फिनिश हो जाए रिलीज द माउस, आप माउस को रिलीज कर देंगे, माउस को छोड़ देंगे। द स्टैम्प टूल, स्टैम्प टूल, द स्टैम्प टूल वर्क्स लाइक अ स्टिकर और रबर स्टैम्प। जो स्टैम्प टूल होता है वो एक स्टिकर और रबर स्टैम्प की तरह काम करता है। इट लेट्स यू प्लेस डिफरेंट पिक्चर्स इन द ड्रॉइंग। यह आपको ड्रॉइंग में विभिन्न चित्रों को रखने की सुविधा देता है। स्टेप वन, क्लिक ऑन द स्टैम्प टूल फ्रॉम द टूल बार। आप टूल बार से स्टैम्प टूल पर क्लिक करेंगे। स्टेप टू, यूज द बटन्स टू मूव थ्रू द वेरियस टाइप ऑफ स्टैम्प्स सच एज एनिमल्स, प्लांट्स एंड पीपल। क्लिक ऑन एनी स्टैम्प फ्रॉम द सिलेक्टर। सबसे पहले आपको जो इस बुक में आपको पिक्चर दिख रही है, जो एरो बने हुए हैं, आप इन बटन पर क्लिक करेंगे। आप इस पर क्लिक करने पर आपको जैसे भी स्टैम्प चाहिए हो, एनिमल्स के, प्लांट्स के या प्यूपल के, तो आप इस पर क्लिक करें। क्लिक ऑन एनी स्टैम्प फ्रॉम द सिलेक्टर। आप सिलेक्टर से इस पर किसी भी स्टैम्प को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टैम्प थ्री, एडजस्ट द साइज ऑफ द स्टैम्प विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल गिवन एट द बॉटम ऑफ द सिलेक्टर। Adjust the size of the stamp with the help of the control given at the bottom of the selector. आप जो नीचे आके बॉटम में जो आपको कुछ एक पिक्चर दिख रही होगी, इससे आप अपना साइज एडजस्ट कर सकते हैं, एक साइज समायोजित कर सकते हैं कि आपको कितना साइज रखना है। स्टेप फोर, मूव द पॉइंटर टू द ड्रॉइंग कैनवास एट द पोजिशन वेयर यू विश टू प्लेस द स्टैम्प। आप अपने पॉइंटर को पॉइंट पर ले जाएं जहां पर आपको स्टैम्प रखना है, ले जाएं जहां आप स्टैम्प रखना चाहते हैं और यू एंड आउटलाइन फॉलोज द मूवमेंट ऑफ द माउस। एक रूपरेखा माउस की जो गति के अनुसरण करती है वो आपकी आएगी। दिस शोज द स्टैम्प विल बी प्लेस्ड एंड हाउ बिग इट विल बी। इससे पता चलता है कि स्टैम्प लगाया जाएगा और कितना बड़ा होगा। क्लिक ऑन द ड्रॉइंग कैनवास टू प्लेस द सिलेक्टेड स्टैम्प। आपने जो भी ड्रॉइंग कैनवास पर जो भी स्टैम्प जो भी आपने चूज किया है उसको लगाने के लिए ड्रॉइंग कैनवास पर आप क्लिक करेंगे। टर्न योर पेज। अदर कंट्रोल्स, लेट अस लर्न अबाउट सम अदर कंट्रोल्स लाइक न्यू, सेव एंड ओपन प्रेजेंट इन द टूल बार। आपको कुछ भी और अदर कंट्रोल्स का यूज करना है जैसे न्यू, सेव, ओपन, वो आपके टूल बार पर उपस्थित होंगे। न्यू, द न्यू बटन इज यूज टू स्टार्ट अ न्यू ड्रॉइंग। आपको जब न्यू बटन को आप यूज करते हैं यानी न्यू ड्रॉइंग करने के लिए, जब आपको न्यू ड्रॉइंग करनी हो तब आप न्यू बटन का यूज करते हैं। स्टेप वन, आप न्यू बटन पर कैसे जाएंगे? क्लिक ऑन द न्यू बटन फ्रॉम द टूल बार। आप टूल बार से न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। यू विल बी शोन अ लिस्ट ऑफ कलर्स ऑफ पिक्चर। आपको एक लिस्ट आपको शो करेगी उस पे कलर्स की। स्टेप टू, क्लिक ऑन द डिजायर्ड कलर। आपकी जैसी इच्छा हो, जो भी आपका मन करे, आप उसे कलर चूज कर सकते हैं। द कलर विल बी सिलेक्टेड एज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पिक्चर। आपकी पिक्चर के बैकग्राउंड में जो आप कलर रखना चाहते हैं वो आप इससे सिलेक्ट करते हैं। स्टेप थ्री, क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन। आप ओपन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यू विल बी नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन अ न्यू पिक्चर। फिर आप अपना न्यू पिक्चर पर आप अपना काम करना शुरू करते हैं। सेव, द सेव बटन इज यूज टू सेव अ पिक्चर सो दैट यू कैन ओपन इट एनी टाइम लेटर। आप जब सेव बटन का यूज कर क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप अपनी कोई भी ड्राइंग को आपको सेव करना है और उसके बाद आपका जब भी मन करे आपको अपनी वो देखनी है तो आप उसको एक जगह आप अपना सेव कर देंगे। टू सेव योर ड्राइंग, क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द टूल बार।
टूल बार से आप सेव बटन पर जाकर अपनी फाइल को यानी आप अपनी ड्रॉइंग को सेव कर सकते हो। ओपन द ओपन बटन इज यूज टू ओपन एनी पिक्चर दैट यू सेव अर्लियर। ओपन बटन का यूज करते हैं जब हमने कोई भी पिक्चर अपनी कोई भी चीज कंप्यूटर में कुछ भी हो डाटा हो कुछ भी पिक्चर हमने कहीं सेव पहले कर रखी है अगर हमको उसको फिर से देखना हो तो हम ओपन बटन का यूज करते हैं। सेवन क्लिक ऑन द ओपन बटन अ लिस्ट ऑफ सेव पिक्चर विल अपीयर। आप ओपन बटन पर क्लिक करेंगे आपकी जो सेव पिक्चर थी वो आपकी स्क्रीन पर होगी। स्टेप टू क्लिक ऑन द पिक्चर टू बी ओपन और आपकी पिक्चर क्या होगी ओपन हो जाएगी। स्टेप थ्री क्लिक ऑन द ओपन बटन द पिक्चर गेट्स ओपन और आपकी पिक्चर जैसे ही आप बटन पर क्लिक करेंगे आपकी पिक्चर ओपन होगी। क्विक व्हेन यू क्लिक ऑन द क्विक बटन इट क्लोजेस द टच पेंट विंडो। जब आप क्विक बटन पर क्लिक करेंगे इट क्लोजेस द टक्स पेंट विंडो आपकी जो टक्स पेंट की विंडो है वो क्लोज हो जाएगी बंद हो जाएगी। तो आपने देखा कि जो टक्स पेंट था कितना फनी एनिमेशन था इतना मजा आया ड्राइंग करने में। आप अपनी कोई भी जो भी आपको सिलेक्ट करनी हो आप अपनी कोई पिक्चर बना सकते हैं जो भी आप कलर आपका मन करे वो आप कलर चूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कैसे उस पिक्चर को हम सेव भी कर सकते हैं। अगर हमको कभी भी उस पिक्चर को देखना है तो ओपन भी कर सकते हैं। आपने कहीं से अपनी पिक्चर को सेव किया है पर आप उसको ओपन करके आप उसको कभी भी देख सकते हैं। आपको अपना ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फिनिश योर चैप्टर बाय हैव अ नाइस डे। सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों चलिए आज हम आपको पढ़ाते हैं हिंदी लैंग्वेज। ये आपकी हिंदी लैंग्वेज की क्लास है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 पर्यायवाची सम और विलोम सम। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यायवाची बच्चों एक वस्तु के कई नाम हो सकते हैं मीन्स एक वस्तु के कई नाम हो सकते हैं किंतु उनका अर्थ या मतलब एक ही होता है। ठीक है एक वस्तु के कई नाम हो सकते हैं परंतु उनका मतलब या अर्थ एक ही होता है। जैसे मछली अब मछली के और भी कई नाम होते हैं जैसे कि मीन मकर एंड मत्स्य। तो कहने का मतलब यह है अगर वस्तु एक है लेकिन उनका मतलब भी एक होता है लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। जैसे नयन नयन क्या होती है आँख तो आँख को नयन नेत्र और लोचन में कहा जाता है। जैसे राजा राजा को क्या कहा जाता है दूसरे शब्द और हम क्या कह सकते हैं राजा को नर नरेश एंड युवति भी कहा जाता है। विटा पेड़ को हम लोग और भी कई रूपों में बोल सकते हैं जैसे विटा तरु और वृक्ष। आग अनल पावक और अग्नि ये इसके अर्थ हैं। इस प्रकार समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। क्या है पर्यायवाची की परिभाषा समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे चलिए जैसे कमल कमल को और क्या कहते हैं जलज नीरज और पंकज। बादल बादल को क्या कह सकते हैं जलद नीरद और मेघ। समुद्र समुद्र को हम लोग दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं जलद ही नीरद ही और अम्बुद ही। फूल फूल को क्या कहते हैं कुसुम सुमन और पुष्प। नदी नदी को क्या कहेंगे सरिता तरंगिणी और तटिनी। दूध दूध को बच्चों दूसरे शब्द में क्या कहते हैं दूध भी कहते हैं छीर भी कहते हैं और पैर भी कहते हैं। दिन दिन को हम लोग दूसरे शब्द में क्या कहते हैं दिवस दिवा और वार। रात रात का क्या है रजनी रात्रि और निशा। तो इस तरह से एक एक वाक्य एक अर्थ के कई एक अर्थ भी निकलते हैं। जैसे धरती धरती का पृथ्वी भूमि और धरा। आकाश का क्या हुआ नव गगन अंबर और आसमान। सूरज सूरज का क्या हुआ दिनकर दिवाकर और रवि। चंद्रमा चंद्रमा को क्या कहते हैं शशि
सुधाकर और सोम। हवा, हवा को क्या कह सकते हैं? अनिल, पवन और वायु। जल, जल को दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? नीर, पानी और अम्ब। पुत्र, पुत्र का क्या होता है? बेटा, सुत और कन्या। इसी तरह पुत्री का बेटी, सुता और कन्या। सांप का क्या होता है? नाग, विस्तर और सर। इसी तरह गाय को क्या बोलते हैं? गो, धेनु और सुरा। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के तो कई नाम थे, चाहे उनका कोई भी नाम लीजिए मतलब एक ही होता है। जैसे कृष्ण का केशव, माधव, मोहन, मुरलीधर, कुछ भी। अमृत, अमृत को क्या होता है? सुधा, अमय और पीयूष। इसके बाद में आपको इसकी एक्सरसाइज का खा गा अपनी फेनोमूम में राइट करनी है। जैसे आकाश और नभ पर्यायवाची हैं, समुद्र को जलधि भी कहते हैं, सांप को सर्प भी कहते हैं। इसी तरह इसकी परिभाषा समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। चलिए अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 विलोम शब्द। अब विलोम शब्द क्या होती है? विलोम का अर्थ होता है इसका उल्टा। क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत उल्टा अर्थ देने वालों को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, जस्ट अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वालों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अगर कोई चीज बड़ी है तो इसका उल्टा क्या होगा? छोटी, यानी कि बड़े का छोटा। गुरु, गुरु का शिष्य। खुशबू, अगर कोई चीज खुशबू दे रही है तो उसका उल्टा क्या होगा? बदबू। चित्रों के नीचे लिखे सब एक दूसरे के जस्ट उल्टे हैं, यानी कि विपरीत हैं। अतः ऐसे शब्द को हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। जैसे लाभ, अगर हमको किसी चीज से लाभ होता है तो उसका उल्टा अर्थ क्या होगा? हानि। राजा, राजा का क्या होगा? रंग। गहरा, उथला। अपना, अगर कुछ भी अपनी है तो उसका उल्टा होगा पराई। जीवन, अगर जीवन है तो मरण भी है, यानी कि जीवन अगर होता है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है, तो इसका उल्टा क्या हुआ? जीवन का मरण। सुपुत्र, सुपुत्र का होता है कुपुत्र। दूर, अगर कोई चीज दूर है तो उसका जस्ट उल्टा होता है कि पास, तो दूर का पास। आशा, आशा का निराशा। हंसना, अगर कोई हंसता है तो उसका उल्टा रोना। जमीन, ये नीचे जमीन है तो ऊपर आसमान, तो जस्ट उल्टा हो गया, तो जमीन का आसमान। प्रातः, अगर सुबह सुबह प्रातः तो शाम को साय। जय, पराजय। गोरा, काला। शांत, आसान। सत्य, असत्य, ये सारे इसके विलोम यानी कि उल्टे अर्थ है। जैसे उचित का अनुचित, पुरस्कार का दंड। चल, अचल। सरल, सरल का कठिन और अच्छा का बुरा। ये सारे क्या है? ये सारे विलोम शब्द हैं। जैसे कि रक्षक का भक्षक, अगर कोई चीज कच्ची है तो उसका उल्टा पक्की, यानी कि कच्ची का पक्की। आदान प्रदान, अगर हमारा कोई शत्रु है तो उसका उल्टा होगा मित्र, तो शत्रु का मित्र। उदय का अस्त। वीर, वीर का क्या होता है? कायर। अर्थ, अनर्थ। प्रेम का घृणा। आदर, अनादर। तो बच्चों इस तरह से ये सारे हमारे क्या है? ये सारे हमारे विलोम शब्द हैं। उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। तो बच्चों आपको चैप्टर नंबर 12 आपका फिनिश, इसके एक्स